अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख अब्दुल कयूम आपके लिए लेकर आता हूँ नए नए बॉनिक स्टूडियो से नए नए फनकारों को और ऐसे टैलेंट को जो समझ लें कि गुदड़ियों में लाल, यानी कि जो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले वगैरह करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। तो मैं आप चाहता हूँ कि पाकिस्तानी टैलेंट को आगे प्रमोट किया जाए, हमारे यंग्स को आगे प्रमोट किया जाए और हमारे बॉनिक ब्रांड के ऊपर हम उन्हें प्रमोट करते हैं बॉनिक स्टूडियो से और 97 न्यूज़ की तरफ से। और मेरे साथ जो आज हमारे दोस्त हैं शहराज साहब, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनका वोकल बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आपको इसी तरह लगेगा कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा गुलूकार गा रहा है। तो मैं आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं हूँगा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, कब से जागा शौक, जिस तरह दूसरे कहते हैं बचपन से, कैसे जागा आप? सर बेसिकली तो ये मुझे 8 साल हो गए हैं परफॉर्म करते हुए और बचपन से मुझे शौक है गाने का, लेकिन अगर देखा जाए कि 8 साल पहले 9 साल पहले मुझे इसका ज़्यादा चाम हुआ कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और अपना एक एल्बम रिलीज़ करना चाहिए। तो मैं बेसिकली एक सिंगर के साथ साथ एक यानी अच्छा कंपोज़र भी हूँ, अपने मेरे गाने हैं और मैं अपनी ट्यून्स बनाता हूँ, अपने लिरिक्स में लिखता हूँ, तो उस पर भी वर्किंग जारी है। आप देखें, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, बॉनिक हमें यहाँ पर बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ जी हमें एक चांस मिल रहा है कि हम यहाँ पर एक अच्छा अपने आप को मनवाएँ, परफॉर्म करें आप लोगों के सामने। ज़बरदस्त जी, सबसे बड़ी बात है मेरा लाहौरिया भाई है और माशाल्लाह लाहौर की तरह ज़बरदस्त, तो मैं चाहूँगा कि इनसे हम थोड़ा सा कुछ सुने, टून वगैरह सुने, इनका वोकल सुने। और मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि जो नए लोग आते हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। बहुत टैलेंटेड भाई है मेरा, लें सर थोड़ा सा सुनाएं, क्या सुनाना चाहेंगे जी? ज़ाहिर है ये एक हमारे मुल्क का एक और बड़े एक नामवर हमारे जो है ब्रांड बॉनिक वालों का एक प्रोग्राम हो रहा है, तो ज़ाहिर है हम लोग अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारे सॉन्ग भी हमारे मुल्क के ही होने चाहिए। तो उसके हवाले से एक ज़ाहिर दिल दिल पाकिस्तान जुनेद जमशेद का बड़ा एक मिली नगमा बहुत फेमस है और हमारा यानी कि नेशनल एक सॉन्ग बन चुका है, तो ये आप लोगों की खिदमत में। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 दिल 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 से मिलते हैं तो प्यार का सेहरा बनता है, सेहरा बनता है, फूल गलड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, सुना आपने दिल दिल पाकिस्तान, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। आप ये देखें कि अभी हमने साउंड नहीं दिया, हमने इसमें वोकल में कोई कार्ड नहीं लगाया, ये नेचुरल आवाज़ है इनकी, आप सामाइन समझें ये नेचुरल आवाज़ है, हमें अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए। क्या खूबसूरत गाया, और मैं चाहूँगा कि कुछ और भी आप जो ना कोई और पाकिस्तानी तर्ज कोई अगर आपको याद है तो प्लीज़। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं भूल रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, नहीं हूँ ऐराहे फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ऐ
होश में तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म। थैंक यू सर।